नमस्कार। आज अपन कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 16.1 का पार्ट नंबर 3। प्रश्नावली का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। विद्यार्थियों पेन को भी निकालिए, रेडी हो जाए और पढ़ने के तरीके में बैठ जाए। थोड़ी सी देर अपन 30-40 मिनट कुछ बात करते हैं। लड़को इस प्रश्नावली में से बोर्ड में 3 नंबर का प्रश्न आएगा और प्रश्न नंबर 24 इस प्रश्नावली में से आपको मिलेगा। तो प्रश्न नंबर 24 तीसरे पार्ट में होगा। हमारे बोर्ड में प्रश्न 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और फिर 6 नंबर ऐसे प्रश्न आएंगे 4 भागों में। तो तीसरा भाग होगा वो 3 नंबर का होगा। तो उसमें 24वां प्रश्न है वो इस प्रश्नावली में से आने वाला है। तो वो कौन सा आएगा, अपन 5-10 वीडियो इसके बनेंगे, 10 के लगभग वीडियो बनाएंगे। उनमें से बीच में जैसे ही प्रश्न आएगा कि 2018-19-20 में कौन से प्रश्न आ चुके और 21 में हमारे लिए कौन सा प्रश्न है जो हमें वहाँ बोर्ड एग्जाम सेंटर पर लिखना है, तो देखते हैं। देखो पिछला जो वीडियो था हमारा दूसरा, उसमें 16.1 से पहले के 6 एग्जाम्पल पूरे हो गए थे। अब अपन एग्जाम्पल नंबर सात से आज शुरुआत करेंगे। तो दो तो एग्जाम्पल हैं और फिर 16.1 के जो डिफिकल्ट पर्सन है वो मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर देता हूँ। तो एक सातवां उदाहरण बिल्कुल इजी था, आपने कर लिया होगा। एक संदूक की माप 3 मीटर, 2 मीटर और 1.80 मीटर है। बाहर की ओर सभी फलकों पर 12 रुपए की दर से वार्निश कराने का वे ज्ञात कीजिए। लड़को पिछले वीडियो में मैंने 2 मिनट आपको समझाया था कि यदि रंग वार्निश पेंट संबंधी बात आए तो आपको क्षेत्रफल निकालना है और भराव संबंधी बात आए तो आयतन निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है, तो संदूक हाँ दिखाई दिया। संदूक की मात्रा बड़ी है, संदूक की लंबाई वह समय तो प्रश्न कॉल करना है, चौड़ाई और ऊंचाई। एक तो इन प्रश्नों में विशेष ध्यान रखना सारे मात्रक समान होने चाहिए। जैसे 3 मीटर है, देखो 3 × 2 × ऐसे लिख रखा है, तो इंटू में लिख रखा है तो एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है और ये 1.80 मीटर। अब क्या करवाना है, वार्निश करवाना है। 12 रुपए 1 वर्ग मीटर का लगता है, तो जो आंसर आएगा ना उसको अपन 12 से गुणा कर देंगे तो खर्चा हमारे पास आ जाएगा। तो देखते हैं, देखो सभी फलकों पर करना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है। तो घनाभ है संदूक, संदूक मींस क्या हो गया भाई, घनाभ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ क्या होगा भाई, 2 LB प्लस BH और प्लस HL। और जो ये आएगा उसको अपन किससे गुणा करेंगे, 12 से। क्यों, क्योंकि 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर का खर्चा है। तो 2 × LB, L कितना है भाई, 3 × इसको L लिख दे, इसको L लिख दे आराम से सुंदर, वहाँ परीक्षा में एक ही तो प्रश्न आएगा और उसको भी अगर सुंदर नहीं लिखेंगे हाँ ना तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे भाई, कटौती चालू हो जाएगी। तो 3 × 2 + 2 × 1.80 + 1.80 × L कितना है भाई, 3। बस 2 × पहले इनको गुणा कर लें, 2 गुणा होंगे, 3 × 2 = 6 और 18 × 2 = 36 है, 0 भी है तो 2 अक्षर छोड़ के 10 लग जाएगा, प्लस 18 × 3 = 54 तो 2 अक्षर छोड़ के 10 लग जाएगा। जोड़ दीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए, जोड़े देखो 0
छः चार दस का बिंदु हासिल की, एक तो पाँच रे कितना हो गया, छः छः तीन नौ, और नौ छः कितना हो गया भाई, पंद्रह पंद्रह, तो बराबर पंद्रह इंटू दो कितना हो गया, तीस वर्ग मीटर, तीस वर्ग मीटर। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संदूक का, संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया भाई, तीस, कितना आ गया भाई, तीस आ गया। लेकिन ये भी आंसर नहीं है, आंसर में तो हमें खर्चा ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह पड़ी है, क्या लिखूँ भाई, चूंकि चूंकि एक मीटर स्क्वायर वार्निश, वार्निश का वे दे रखा है प्रश्न में कितना भाई, बारह रुपये, आजकल रुपए का सिंबल ऐसे आ गया, रेल लिख के ऐसे काटे, इसलिए 30 मीटर स्क्वायर, अब 30 मीटर स्क्वायर वार्निश का वे, वार्निश का वे 30 से गुणा हो जाएगा 12 इंटू 30, तो 360 रुपए, 360 रुपए, ये आंसर हो गया। लड़कों समझ में आ गया तो लिख लें, जिनके समझ में नहीं आया वो दोबारा सुन लें। हमारे संदूक की लंबाई 3 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है और ऊंचाई 1.80 मीटर है, तो इसके ऊपर सभी फलकों पर, देखो कल एक प्रश्न था कि कमरे की चारों दीवारों पर, तो उन्होंने चारों दीवारों पर ही पेंट करवाया था, वो यहाँ क्या कहा, सभी फलकों पर, तो सभी फल कितने आएंगे संदूक के, हैं ऊपर नीचे इधर 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 छह आएंगे, तो छहों फलकों का क्षेत्रफल है 2LB + BH + HL, तो मान रख दिए 3 × 6 = 18 × 36, दो अक्षर छोड़ के दशमलव, 18 × 54 दो अक्षर छोड़ के दशमलव, तो 40 और 60 100 गया तो हासिल की एक हो गई, तो 5 × 1 = 6 × 3 = 9 × 6 = 15 को 2 से गुणा किया तो 30 मीटर स्क्वायर। अब प्रश्न ने यह कहा कि 1 मीटर स्क्वायर वार्निश का वे 12 रुपए है, तो 30 मीटर स्क्वायर वार्निश का वे कितना होगा, तो 12 × 30 तो कितना हो जाएगा भाई, 360 रुपए। अब लिख ले भाई, मैं थोड़ा सा एक काम और कर दूं, थोड़ा सुधार, कि आप को मैं एक बार सवाल लिख दूं, उसके बाद में दोबारा और समझा दूं, तो समझाऊं उस समय जिनके समझ में नहीं आया वो तो समझ लें, और जिनके समझ में आ गया वो लिख भी लें, और जिनके समझ में दो बार में आ गया वो बाद में रोक के लिख लें वीडियो, बार बार ये बात बताने की नहीं है, लिख ले फटाफट, लिख लिया होगा। तो उदाहरण आठ, उदाहरण आठ लेते हैं, उदाहरण आठ देखिए भाई क्या कहता है, धातु के तीन समान घनों की कोर 3, 4, 5 है। देखो धातु के तीन हैं, घन हैं, एक की कोर, कोर का मतलब है भुजा, कोर का मतलब क्या भाई, भुजा है, एक की भुजा 3 है, दूसरे की भुजा 4 है, तीसरे की भुजा 5 है, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है, इस घन की कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। लड़को देखो ये भी बात समझने की है, बताऊं मैं, कभी भी एक वस्तु को पिघलाकर, जरा ध्यान देंगे इन शब्दों पर, नहीं तो अपन ऐसे पचेंगे जैसे तो है ना आड़ू पसता हो गई। देखो तीन घन बताए हैं, एक घन ये है, इसकी भुजा कितनी है भाई, 3 सेंटीमीटर, चलो भाई जैसे बर्फी है, ठीक है भाई, तो इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, और अगला एक घन है उसकी भुजा मान लो 4 सेंटीमीटर है, थोड़ी बड़ी बर्फी है, इसकी 4 सेंटीमीटर है, ये लो 4 सेंटीमीटर है, और एक और इससे बड़ा है, सही, मान लो ये बड़ा है बस और क्या, तो ये घन है, ऐसे तीन घन हैं। प्रश्न भी परीक्षा में ऐसा ही आता है, पिछले 3 सालों में जो प्रश्न आया वो हमारे बेलन और गोले में से आया, बेलन और गोले में से आया। देखो घन घन आपका मतलब है बर्फी की साइज, गोला मतलब लड्डू की साइज, ओहो, तो जो लड्डू है मान लो 3 लड्डू हों और 3 लड्डू को मिलाकर एक मोटा लड्डू बना दिया जाए, है ना, ऐसे प्रश्न आए थे। तो अब क्या है, वो ये जैसे 3 बर्फियां हैं, इन बर्फियों को मिला करके एक बड़ी बर्फी बना दी जाए,
लेकिन ध्यान क्या रखा जाए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर आनी चाहिए। तो अगर एक वस्तु को पिघला कर छोटी छोटी वस्तुएं बनाई जाए, या दो या तीन वस्तुओं को पिघला कर एक बड़ी वस्तु बनाई जाए, उस स्थिति में हमें आयतन ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करना है। क्या ज्ञात करना है? आयतन। देखो हलवाई क्या करेगा, इन तीनों को पिघलाएगा, पिघला करके एक नए सांचे में इसको डालेगा, भरेगा। तो मैंने कहा जब भी कभी भराव संबंधी बात आए तो आपको क्या निकालना है, आयतन। तो पृष्ठ और क्षेत्रफल और आयतन वाले में प्रश्न गलत कैसे होता है, विद्यार्थी ये समझ नहीं पाता कि आयतन ज्ञात करना है या क्षेत्रफल। वार्निश, कलर, रंग, पेंट है ना, सीमेंट करना, पलस्तर करना, ऐसे बात आए तो उन सब में क्षेत्रफल निकलेगा। भराव संबंधी बात आए, पिघलाने की बात आए है ना, तो उस समय क्या निकलेगा, आयतन। तो लड़को मान लो ये बर्फी 10 ग्राम की है, ये बर्फी मान लो 20 ग्राम की है, और ये 30 ग्राम की है। अब बताओ जो नई बर्फी बनेगी वो बताओ कितने की बन जाएगी, 50 ग्राम की बनेगी। लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, गन जैसी आकृति इसकी बनानी है। समझ गए होंगे अब क्या करना है हमें इस प्रश्न में, हमें इस प्रश्न में ये करना है कि तीन सेंटीमीटर भुजा वाली घन, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों का आयतन निकालना है। और ये आयतन हमारे बड़े जो बड़ी बर्फी बनी उसके आयतन के क्या हो जाएगी भाई, बराबर हो जाएगी। जैसे मान लो ये बर्फी बन गई भाई, इतनी बड़ी बनी, तो ये है ये लो इतनी बड़ी बन गई है ना। तो अब इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, भुजा। अगर हमें आयतन दिया गया है तो आयतन से अपन क्या ज्ञात कर लेंगे भाई, भुजा। क्योंकि आयतन बराबर क्या होता है, भुजा। क्यों? तो आयतन का अपन घनमूल निकालेंगे है ना, तो इसकी क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। घनमूल भी आज मैं आपको सिखा देता हूँ। तो देखिए हल, समझ गए होंगे बात क्या कर रहा हूँ, नहीं समझे दोबारा सुन ले भाई। देखो धातु के तीन गनों की कोर, धातु के, तो समझ गए, तो बस सीधा सही कर दो फिर कि तीनों का आयतन निकालना है और तीनों के आयतन के बराबर चौथे का आयतन होगा। तो अपन लिखेंगे तीन सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, घन के आयतन का सूत्र लगा देंगे, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। घन का आयतन बराबर क्या हो गया भाई, भुजा क्यूब। तो 3 सेंटीमीटर वाले भुजा के घन का क्या हो जाएगा भाई, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है भाई, एक एक लाइन में निकाल दो चाहे से है ना। तो 3 × 3 × 3, 3 × 9 = 27 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन की कई क्यूब आएगी भाई, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, का आयतन, का आयतन और लिखना भाई, का आयतन इतना आ गया सही, कितना भाई 27। और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, घन का आयतन बराबर कितना आया भाई, 4 का क्यूब, 4 × 4 × 4, तो 4 × 16, 16 × 16 कितना हो गया भाई, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और फिर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, घन का आयतन बराबर 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब। फिर लिखेंगे इन तीनों घनों को पिघला कर एक नया घन बनाया गया है, नया घन बनाया गया है, बनाया गया है नए घन का आयतन, नए घन का आयतन कितना हो जाएगा भाई, नए घन का आयतन तीनों का योग हो जाएगा, 27 + 64 + 125 सेंटीमीटर क्यूब।
चलो भाई, 5 4 4 9 7 16 का 86 की एक, और 12 1 13 13 6 19 19 और 2 21 कितना आया भाई, जोड़ से ही देख लेना, 216 नयेगन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है। अब नयेगन की भुजा ज्ञात करनी है तो आयतन का ही सूत्र लगा दो। आयतन का सूत्र क्या लगेगा भाई, भुजा क्यूब, बस इसी से क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी, इसी से भुजा आ जाएगी। तो भुजा बराबर, भुजा बराबर घनमूल 216। देखो घनमूल का सिंबल क्या है, जो आप वर्गमूल का लगाते हैं वही है, यहाँ तीन और लिखेंगे, यहाँ तीन लिखते ही जहाँ यहाँ तीन लिखा हुआ मिले तो घनमूल है, दो लिखा हुआ मिले तो वर्गमूल है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो भी वर्गमूल है। तो अब इसके अपन टुकड़े करते हैं, देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अपन इसका क्या ज्ञात कर लेते हैं, घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो कैसे घनमूल में तीन तीन के जोड़े बनते हैं और वर्गमूल में कितने के बनते हैं भाई, है वर्गमूल में दो दो के बनते हैं, सही भाई। तो दो का भाग दिया, दो एकम दो, एक में नहीं जाता जीरो आया, 16 में 8 बार चला गया, दो का भाग दिया 10 में 5 बार, 8 में 4 बार, दो का भाग दिया 27 2 54 होता है, है 27 बार चला गया, 27 में दो का नहीं जाता तीन का जाता है, तो 9 3 27 3 3 9 3 1 3। तो इसके दो दो के जोड़े, तीन तीन के जोड़े बने, तीन तीन के जोड़े बने, तो घनमूल क्या आ गया भाई, घनमूल देखो इन तीन जो दो हैं इनकी जगह दो ही लिखा जाएगा, ये तीना ही तीना तीन बार है, इनकी जगह दो लिखा जाएगा, तो 6। उत्तर की जांच कैसे करें, 6 × 6 × 6 तीन बार कर लो, 216 आना चाहिए, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो यहाँ अपन ऐसे लिख देंगे कि इसका 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × अब तीन तीन के क्या बन गए, जोड़े बन गए, तो घनमूल ऑफ, हाँ तो क्या हो गया 2 × अब देखो घनमूल हट जाएगा, मतलब इसकी जगह 2 आ जाएगा और इसकी जगह कितना आ जाएगा 3, मतलब 3 का जोड़ा 2 भुजा बराबर कितनी हो गई भाई 6 सेंटीमीटर। तो नए घन की भुजा कितनी आ जाएगी भाई 6 सेंटीमीटर, नए घन की भुजा, घन की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। विद्यार्थियों हमारा 8वां उदाहरण कंप्लीट हुआ, जरा सुने, तीन घन थे, एक की भुजा 3 सेंटीमीटर, एक की 4 1 की 5, इनको पिघला करके एक नया घन बनाया गया है, तो नए घन का आयतन है इन तीनों घनों के आयतन के बराबर होगा, ठीक। तीन भुजा वाले का 27, 4 भुजा वाले का 64, 4 × 4 × 4 3 बार गुणा होगा 5 5 × 5 × 5 3 बार 125 125, 64 और 27 को जोड़ा है ना, तो नए घन का आयतन कितना हुआ भाई 216। अभी भी मैंने उदाहरण देके बताया भाई, एक 10 ग्राम की बर्फी है, एक 20 ग्राम की बर्फी है और एक 30 ग्राम की बर्फी है, इन्हें सबको जोड़ करके एक क्या बना दिया गया, नया घन बना दिया गया, तो वो आयतन जुड़ेगा, तो जुड़ा तो 216 आया। अब घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब बराबर कितना है 216। लड़को घन का आयतन हिंदी में है और भुजा क्यूब गणित में है, ऐसे समझे, ये गणित है इसकी। तो भुजा बराबर घनमूल 216, तो भुजा बराबर घनमूल 216 के ऊपर ने फैक्टर कर लिए इन्हें भाई, वर्गमूल में दो दो के जोड़े बनते हैं, घनमूल में चार तीन तीन के जोड़े बनते हैं, तो ये तीन की जगह एक ही दो आ गया, इन तीन की जगह एक ही तीन, तीन दूनी 6 सेंटीमीटर लिख ले। अगर कहीं भी देखो इधर आपके ऐसे अंडर रूट लगा हुआ मिले कि अंडर रूट 25, सही भाई, और ऐसा लगा हुआ मिले 125 के यहाँ तीना, इसका मतलब है ये घनमूल है ये वर्गमूल है। दूसरी बात, ऐसा लिखा हुआ मिले कि 25 की पावर 1/2 तो वो वर्गमूल है, और ऐसा लिखा हुआ मिले 125 की पावर 1/3 तो इसका मतलब घनमूल है। 1/2 वाली में दो दो के जोड़े बनेंगे घनमूल में, 1/3 वाले में तीन तीन के जोड़े बनेंगे घनमूल में, तो आप ये भी घनमूल ही है और ये भी घनमूल ही है, ये वर्गमूल है ये भी वर्गमूल है। अब अपन बात करते हैं 16.1 की, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आप स्वयं कर लेंगे और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो मुझे बताने हैं, अभी अपन चालू करते हैं, लिख ले प्लीज।
लिख लिया होगा, चलाएं आगे बस 16.1। प्रश्न लगभग बता दूंगा, लेकिन कुछ प्रश्न जैसे सरल ही हो तो उनको आप कर लेंगे। कौन से प्रश्नों को आप कर लेंगे तो मैं बताता हूं कि इसको ऐसे कर लेंगे, है ना, उसके बाद में आराम से कर लेंगे। जैसे भाई कौन सा प्रश्न है, पहला प्रश्न है, एक गनाब 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो बताओ सीधा ही सूत्र लगेगा, देखो लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 9 सेंटीमीटर। चलो पहला तो मैं बता देता हूँ, 9 सेंटीमीटर। कई लड़के ऐसे करते हैं कि जिसको ये नहीं बताता हूँ तो ये खाली छोड़ देते हैं, वहाँ का बाद में करेंगे, बाद में टाइम आपको मिलता नहीं है क्योंकि व्यस्त आदमी है, है ना। गनाब की लंबाई, चलो मैं ही कर देता हूँ, गनाब की लंबाई मेरे पास टाइम ज़्यादा पड़ा है, चौड़ाई और ये ऊंचाई कितनी है, ये क्वेश्चन नंबर 1। और प्रश्नावली कौन सी चल गई, अब प्रश्नावली 16.1 मेन प्रश्नावली चल गई, पहले उदाहरण पढ़ रहे थे, अब बस सीधा सा ये लो जी साथ ही कर लेते हैं। गनाब का सप्रेक्षे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2lb, सूत्र लगाना जरूरी है, BH+HL, आप ये याद हो गया होगा इतने दिन में, सही भाई, कई लड़के बिना सूत्र याद करे जिंदगी निकाल देते हैं। तो 12 × 9, उनमें से तो नहीं है आप, 9 × 5, अरे भाई बैठ के 2 मिनट आंख बंद करके सूत्र को याद कर ले, जिंदगी भर काम में आएगा, गनाब का क्षेत्रफल यही रहेगा जिंदगी भर, बदलेगा नहीं। तो 2 × 12, 9 में 108, 12 का पहाड़ा तो आता ही होगा, 9 × 5 = 45 और 12 × 5 = 60, बस 2 × जोड़ लें 5 × 8 = 13, 13 × 3 हासिल की 1, 6 × 1 = 7, 4 × 11 = 11, 8 × 10 = 21, 213, 213 को 2 से गुणा किया तो 2 × 2 = 4, 13 × 2 = 26, 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लोग क्या टाइम लगा भाई, ये गनाब का कई बार सीधा ही प्रश्न आ जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, अरे सीधे ही पढ़े हैं सारे प्रश्न, थोड़ा भाषा का फर्क पड़ जाता है भाई। दूसरा इसी में क्या पूछ लिया, गनाब का आयतन, तो ये लो जी मैं ये भी लिख देता हूँ, गनाब का आयतन क्या होगा भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हाँ याद आ गया होगा कि ले साल ऊंचा 12 × 9 में 108, 108 को 5 से गुणा कर दो भाई, 8 × 5 कितना 40 और 5 × 1 = 5, 540 सेंटीमीटर क्यूब आएगा यहाँ गनाब का आयतन कितना हो गया भाई 540। लड़को पढ़ने में आपको जोर आ सकता है लेकिन आनंद आएंगे आपको, इकाई का विशेष ध्यान रखेंगे। पढ़ाई में जोर आ रहा होगा, स्वाभाविक है जोर आना, परेशानी समझते हैं कई लोग कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो दूसरा प्रश्न देखिए, 3 गन्नों की भुजाएं 8, 6 और 1 सेंटीमीटर हैं, इन्हें पिघलाकर नया गन बनाया गया है, नए गन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लड़को अभी अभी जो पीछे 8वां उदाहरण किया उसमें अपन ने भुजा ज्ञात की, अब भुजा से क्या ज्ञात करना है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × भुजा² लगाना है। तो दूसरा प्रश्न सेम 8वें उदाहरण की तरह, 8वें में भुजा पूछिए और इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, आपको करना है स्वयं करेंगे 8वां या 2 दूसरा।
एक संदूक की माप 50 × 36 × 25 सेंटीमीटर है। संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? बताओ कवर कहाँ होगा? बाहर की साइड में, बाहर की साइड में होगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तीसरा भी आप आराम से कर सकते हैं, आपको क्या करना है, संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कपड़े का क्षेत्रफल। कौन से उदाहरण की तरह? आपको सातवें उदाहरण की तरह, बस सातवें उदाहरण में रुपए और निकालें, आपको तो केवल क्षेत्रफल ही निकालना है, तो आप स्वयं कर लेंगे। तीसरा, चौथा देखो, एक गन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा गन को काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समान भाग का क्या ज्ञात करना है भाई? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो भाई लड़कों, ये प्रश्न मैं आपको बताता हूं। कौन सा प्रश्न बताता हूं? चौथा, वो आराम से कर लेंगे आप। अभी रोक लो, बंद कर दो वीडियो को, और अभी अभी तीनों कर लो, आपके हो जाएंगे। देखो भाई मैंने बात क्या हुई, दोबारा प्रश्न को पढ़ता हूं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, इन्होंने क्या कहा कि एक वर्ग है, सही, एक वर्ग है। वर्ग का मतलब देखो, एक वर्गाकार फलक किसका होता है? गन का। तो गन के वर्गाकार फलक होते हैं और उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 100। तो अगर मान लो वर्ग का क्षेत्रफल 100 है तो उसकी भुजा कितनी आएगी? 10, क्योंकि भुजा स्क्वायर होती है। अभी निकालते हैं, तो इस गन की भुजा कितनी है? 10। ध्यान देना इधर, अब इसको क्या किया गया है, बीच में से, कहां से भाई? समतल द्वारा, आधार के समांतर समतल द्वारा इसे काटकर दो बराबर भागों में बांटा गया है। देखो यहां मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है, देखो इधर इससे देख लेते हैं। माना इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, एक बार ऐसे मान ले, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, और इसका क्षेत्रफल इन्होंने कितना बताया? एक फलक का 100। तो इसकी भुजा, ये वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर 100 है तो भुजा कितनी आएगी? √100। तो भुजा का मान कितना आ जाएगा? 10। अब देखो भुजा का मान 10 आ गया, ये भी 10 समझे, ये भी 10 समझे, ये भी 10 समझे, यहां तक मान ले इसको कि भाई ये गन है ना, एक टुकड़ा बार था मेरे, अभी यहाँ कोई है नहीं आदमी, चलो बात कर लेते इसी। तो अब इसको क्या किया गया है, बीचों बीच यहाँ से काटा गया है। मान लो ये बर्फी है, ऐसे ही समझे, आज बर्फी से ही बात करते हैं। ये बर्फी है, लंबाई कितनी? 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी कितनी? 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी कितनी? 10 सेंटीमीटर। अब इसको बीचों बीच से काटा गया है, बीचों बीच ऐसे काट लिया, इसका मतलब एक बर्फी के कितने टुकड़े कर लिए? 2। अब देखो एक बर्फी का टुकड़ा अलग, मान लो यही कर लिए है, बीचों बीच में से ऐसे काट लिया इसको, ऐसे काटते ही ऐसे हो गया, ऐसे होते ही क्या हुआ भाई, ये ऊंचाई कितनी बची अब? 5, क्योंकि पूरी कितनी थी? 10, अब कितनी हो गई? 5। तो अब जो नई आकृति बनी है उसकी लंबाई तो कितनी? 10, चौड़ाई भी कितनी? 10, और ऊंचाई कितनी हो गई? 5। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से एक भी अलग है तो फिर बाद में वो क्या बन गई? गन्हाप बन गई। तो आपको उस आकृति का क्या ज्ञात करना है भाई? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी गन्हाप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लड़को लिखो, गन की भुजा पहले ज्ञात करेंगे भाई, लिखेंगे गन का प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ ऐसे ही लिखा जाए, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है भाई? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गन की भुजा बराबर, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है भाई? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना है भाई? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उधर मैं जगह लिख लूँ जरूरत पड़ेगी। तो गन की भुजा बराबर, तो भुजा बराबर क्या हो गया? भुजा बराबर √100। √100, तो भुजा बराबर क्या हुआ भाई? 10 सेमी। 100 का वर्गमूल कितना है भाई? 10 सेमी। तो घन की भुजा कितनी आ गई भाई? घन की भुजा कितनी आ गई भाई?
घन की भुजा कितनी आ गई भाई? 100 आ गई। ऐ 100 क्या 10 सेंटीमीटर आ गई, सही दिखाई दे रहा है। तो अब इसको काटा गया है तो लिखें, आप लिखो आधार के समांतर, आधार के समांतर, समांतर घन को, घन को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, बांटा गया है, तब 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 नए, अब नया घनाभ बन गया, वो घन नहीं है, घनाभ की भुजाएं, घनाभ की भुजाएं लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। देखो ये कॉमन सेंस की बात हो गई कि आधार के समांतर का मतलब है आधार के ऐसे काटा गया, उसको खड़ा नहीं, आधार के समांतर ऐसे काटा गया। तो चौड़ाई तो 10 ही, लंबाई भी 10 ही, तो ऊंचाई 5 हो गई, सही। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, बड़ा नॉर्मल प्रश्न हो गया। मतलब मेन बात ये, भुजा निकाली उसकी, भुजा निकालने के बाद में तो लिखेंगे आप, अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां लिख देता हूं, अतः घनाभ का, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां लगा देता हूं आराम से सूत्र, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू एल का मान कितना भाई, 10 इंटू 10, 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10, ओके। तो चलिए भाई 10 10 हो गया, 10 पंजे 50 हो गया, 10 पंजे 50 हो गया, दोनों को जोड़िए कितना हो गया भाई 100, 200 और 200 और 200 कितना हो गया 200 इंटू 2, 200 इंटू 2 कितना हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। लास्ट में आंसर जरूर लिखे, नए घनाब, नए घनाब का TSA टोटल सरफेस एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समझ में आ गया होगा, जिनके समझ में आ गया वो लिख लें, जिनके समझ में नहीं आया वो दोबारा समझ लें, मैं बोल रहा हूँ इतनी देर में खड़ा खड़ा क्या करूँगा। यहाँ घन का संपूर्ण, घन के एक पृष्ठ का मतलब एक फलक का क्षेत्रफल 100 है, इसका फलक वर्गाकार होता है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा स्क्वायर बराबर 100, तो भुजा बराबर अंडर रूट 100, तो भुजा बराबर 10 आ गया। अब इसको क्या किया गया, आधार के समांतर दो भागों में बांटा गया है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई तो सेम रहेगी, ऊंचाई 5 हो जाएगी, ऊंचाई 5 होगी, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL, तो 2 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 5, 10, 5 इंटू 10, और इनको गुणा वगैरह किया तो कितना आया भाई 400। चलो क्लियर हो गया होगा, लिख ले फटाफट। लिख लिया होगा भाई, पांचवा प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। देखो पांचवें प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, एक बगैर ढक्कन का बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, यानी जो लकड़ी है उसकी मोटाई कितनी है 3 सेंटीमीटर,
लेकिन ऊपर ढक्कन नहीं है, ढक्कन नहीं है तो उसकी पोजीशन क्या है? एक तो पैंदा है, तो पैंदे में लकड़ी कितनी लगी हुई है? 3 सेंटीमीटर। दोनों साइड इधर वाली हैं, इधर भी 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3 सेंटीमीटर, दोनों साइड इधर वाली हैं, इधर भी 3 और इधर भी 3। चलो जी, ऐसे लकड़ी, अरे भैंस की ठाण देखिए ना, खड़े वाली ठाण, ऐसे टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम खड़ी। सही बात, पैंदा भी है लकड़ी का और साइडों में है लकड़ियाँ, 3-3 सेंटीमीटर की, 3-3 सेंटीमीटर की, ऊपर ढकना नहीं है। अब देखो क्या कहता है, इसकी बाहरी लंबाई 146, लंबाई बार की लंबाई, बार से नापा गया 146, चौड़ाई 116 और ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। उसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए। अंदर की ओर क्या कराना है? पेंट करवाना है। पेंट की दर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर, 1000 वर्ग सेंटीमीटर के 2 रुपये लगेंगे मात्र, 1000 वर्ग सेंटीमीटर के 2 रुपये लगेंगे। तो रुपये वाली बात तो आप छोड़ें, पहले तो ये देखें कि रंग करवाना है, तो रंग करवाना है तो बताओ क्षेत्रफल निकलेगा या आयतन? श्योर क्षेत्रफल निकलेगा। अब देखिए कल जो हमारा रंग है वो कहाँ कहाँ होगा, अंदर की ओर करवा रहा है तो अंदर की ओर चारों दीवारों पर होगा और पैंदे में होगा, चारों दीवारों पर और पैंदे में होगा, है ना, यहाँ कलर करवा रहा है। तो अपन इस आकृति का अंदर की जो माप है वो लेंगे और अंदर की माप लेकर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, पैंदे का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और फिर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर की दर से खर्चा ज्ञात कर देंगे। तो लिखना प्रारंभ करेंगे साथ के साथ, संदूक की बाहरी लंबाई, संदूक की बाहरी लंबाई, बार की लंबाई, बाहरी लंबाई कितनी है भाई? 146 सेंटीमीटर। चलो जी, बार की चौड़ाई कितनी है भाई? 146, 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई है वो कितनी है भाई? 83 सेंटीमीटर। संदूक 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है, मोटी लकड़ी से बना है, बना हुआ है। तब अब देखो हमें अंदर कलर कराना है तो अंदर की माप चाहिए, बार की माप क्या काम करेगी, है ना। देखो इधर देखो, जैसे हमारी बाहरी बार की लंबाई 146 है तो बताओ अंदर की कितनी आएगी? जरा ध्यान दे, 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी इधर है, 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी इधर है और बार की बार अपन नाप रहे हैं 146, तो 146 में से 3 इधर वाला 6 सेंटीमीटर कम हो जाएगा तो अंदर की माप आ जाएगी। ओके, तो लिखते हैं भाई, ऐसे ही चौड़ाई में 3 इधर से कम होगी, ऐसे ही ऊंचाई में 3 नीचे से कम होगी, लेकिन ऊपर ढकना ही नहीं है तो 3 सेंटीमीटर ही कम होगी ऊंचाई में से। ठीक है भाई, तो अपन लिखेंगे तब संदूक की अंदर की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? 146 माइनस 6 = 140 सेंटीमीटर। ओके, 6 कैसे आई हमें पता लग गया ना, 6 कैसे आई? 3 + 3 = 6। चौड़ाई कितनी आई भाई? 116 - 6 = 110 सेंटीमीटर और ऊंचाई ढकना नहीं है भाई, ऊपर ढकना नहीं है तो कितना घटेगा? केवल ही 3, तो कितना आ गया? 80 सेंटीमीटर। अब अंदर पेंट करवाने योग्य क्षेत्रफल तो रंग करवाने योग्य क्षेत्रफल क्या होगा भाई? चारों दीवारों का क्षेत्रफल पृष्ठ भी बोल सकते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस पैंदे का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 2 × लंबाई + चौड़ाई, है ना, इंटू ऊंचाई, ये 2 ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। और पैंदे का क्या आता है भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई, पैंदा है ना,
पैंधे का क्षेत्रफल नीचे की नीचे लंबाई गुणा चौड़ाई आता है। ओके भाई, ऐसा प्रश्न कई बार कमरे के लिए भी आ जाता है कि कमरे की चारों दीवारों और छत के रंग करवाना है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र तो ये, और छत का क्षेत्रफल का ये, पैंधे का जितना है उतनी ही छत है, तो पैंधे का जितना है उतनी ही छत है, तो ये प्रश्न कमरे के लिए भी बन गया है कि ये कमरा ऐसा है इसके रंग करवाना है, छत सहित चारों दीवारों पर कलर कराना है। तो बस 2 × लंबाई कितनी है, लंबाई 140 प्लस चौड़ाई 110 और ऊंचाई कितनी है भाई 80 प्लस लंबाई कितनी है भाई 140 × 110। देखिए भाई पहले इनको जोड़ दें फिर गुणा होगा, तो 2 × इनको जोड़ें तो कितना आ गया 250 × 80, पहले गुणा होगा ये फिर जुड़ेगा, ये इन दोनों को गुणा कर दीजिए है, 0 और 0 दो बार, 11 × 44 का 4 हासिल की भी 4, 11 × 11 ग्यारह और 4 कितना होता भाई, 11 × 4 = 15 होता है ना, इनको गुणा कर दो, गुणा कर दो भाई 25 × 50 500 हो गए ना, 25 × 50 अरे 250 × 500 यार, और 80 से गुणा कर दे, 2 0 तो लिखा जाएगा है, ये भी 0 लिखा जाएगा, 8 × 5 कितना हो गया 40, तो कितना हो गया भाई 40,000, 40,000 प्लस 15,400, तो बताओ कितना हो गया भाई 40,000 और 15,000 तो कितना हो गया भाई 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे रंग योग्य क्षेत्रफल हो गया, कितना हो गया भाई 55,400 रंग योग्य।